बिहार सरकार ने गांव के मुखिया से छीनी पावर, कैबिनेट ने लगाई मुहर। गांवों में कोई भी फैसला लेना हो तो बिना पंचायत की सहमति से नहीं लिया जाता। गांव की पंचायत में मुखिया भी सबसे अहम होता है, जो कि गांव का हर एक फैसला लेता है। लेकिन बिहार सरकार ने अब मुखिया से उसके सारे अधिकार छीन लिए हैं। मुखिया पूर्व की तरह पंचायतों के कामकाज में अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे। अब हर हाल में पंचायत में होने वाले काम के लिए समिति से ही विकास के काम के लिए सहमति बनाई जाएगी। मुखिया को पूर्व की तरह वित्तीय अधिकार भी नहीं रह जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट की विशेष बैठक में एक मात्र एजेंटे पर मुहर लगी। नई व्यवस्था के तहत पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर पंचायतों की समिति के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में लिए निर्णय में सरकार ने वार्ड विकास समिति को वैधानिक दर्जा देने का फैसला किया। पिछले दिनों पटना हाईकोर्ट ने वार्ड विकास समिति को रद्द कर दिया था, लेकिन अब वैधानिक दर्जा मिलने से मुखिया पर समिति का शिकंजा कसेगा। वार्ड विकास समिति को लेकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी और उन्हें विश्वास में लिया था। कुल मिलकर कहा जा सकता है कि सरकार की इस निर्णय से मुखिया के अधिकार में कटौती किया गया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। देशी घरेलू